अस्सलाम वालेकुम गाइस, iPhone 10 का आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करेंगे इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है मेन सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर, ठीक है, वो हम इंस्टॉल करेंगे यार। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आईट्यून ओपन कर लेना और आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आईफोन के पास जाना है, अपने मोबाइल पे जाना है, अपने आईट्यून मोड पे लेके जाना है, ठीक है। आईट्यून मोड पे कैसा लेके जाएंगे आप अपने मोबाइल का पहले बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये जैसे ही ऑन होगा तो आपने ये प्रेस करके रखना है ताकि ये आईट्यून मोड पे चले जाए, ये आपने प्रेस करके रखना है बटन को। यह आईट्यून मोड पे चला गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे जाना है, कंप्यूटर पे आएगा इस तरह की विंडो, ठीक है। आपने क्या करना है, रीस्टोर पे क्लिक करना है, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर और एंड अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपने क्या करना है, इसको पहले इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ये खुद ही फ़ाइल डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर से यही सेम प्रोसेस करना है, आईट्यून मोड पे लेके जाना है और आपने ये रिस्टोर और अपडेट पे कर देना है, ठीक है। तो ये खुद ही रिकवर और सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर करता रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, ये खुद ब खुद ये इंस्टॉल करेगा, बहुत इजी वे, कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुकानदार पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर बैठे आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इजी वे है और सब कुछ इजी है। तो अब ये देख लीजिएगा आप, ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी तो ये आईफोन यहाँ पर एप्पल लोगो आ जाएगा, लिखा हुआ बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा अब ये खुद ही फाइल को अपलोड कर रहा है इंस्टॉल करने के पे। ये जब तक लाइन पूरी होती है मैं आपको फिर से आपके पास आता हूँ, ठीक है जी गाइस। तो ये हो गई है लाइन कंप्लीट, तो अभी बस ये आईफोन लोगो पे चले जाएगा, एप्पल लोगो पे ये मोबाइल रिस्टार्ट हो गया। अब ये इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है एप्पल का। जी बहुत इजी वे है, बस थोड़ा सा दिमाग वाली बात है, आपके पैसे बच जाएंगे। जो आप बाहर जाके दुकानदारों पे 1000-2000 का ये सॉफ्टवेयर करवाते हैं, चूना लगवाते हैं, तो आप ये घर बैठे ही आप खुद ही सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे ही ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर लाइन कंप्लीट होती जाएगी, यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती जाएगी, ये देखने आप अभी स्टार्ट पे, अभी रिस्टोरिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर। iPhone 10 है, ठीक है।
और याद रखिएगा कि अपने मोबाइल की बैटरी कम से कम 75 से 80% होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है, तो ये कोई बताता नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर वीडियो स्टॉप करता हूँ, ठीक है, जैसे ही एंड लाइन पर आएगी तो मैं आपको आपके पास वापस आता हूँ। जी गाइस, वेलकम बैक। बस ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये खुद ही ऑटोमेटिकली सर्वर से कनेक्ट होता है, तो फिर ये इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हाफ से ज़्यादा हो गई है लाइन। जी गाइस, वेलकम बैक। तो ये हो गया है यहाँ पर स्टार्ट, पूरा इंस्टॉल हो गया है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना यूएसबी को अनप्लग कर दीजिएगा, केबल को, ठीक है, अनप्लग कनेक्ट करके यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर फिनिश होता है। जी गाइस, तो ये भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। और आपने बस जो स्टार्टअप है आपने वो देखना होता है, ये इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है खुद ब खुद ही, आईट्यून से कनेक्ट होता है और खुद ही इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर। तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस जो हमें नहीं आता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम बाहर दुकानदारों पे जाके, शॉपकीपर्स पे जाके चूना लगा देते हैं 2 3 4 5 हज़ार का, के आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, ये फाइल नहीं मिल रही है और ये फाइल नहीं मिल रही है, तो ये परचेज़ करनी पड़ेगी फ़ाइल, आईफोन का है ये, है रिस्टोरिंग प्रॉब्लम है, तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, ठीक है। जी गाइस, तो वीडियो आज के लिए यही थी इतनी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू वीडियो पे, कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।